हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 प्रवेश परीक्षा क्लास सिक्स के आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो आपकी 31 जनवरी है। इस फॉर्म में एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट को लेकर बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं और उनका जो है सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन होने में प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको एक एरिया अपना सेलेक्ट करना होता है जिसको रूरल और अर्बन के नाम से डिफाइन किया गया है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 या फिर इससे पहले की जो भी परीक्षाएं हैं उनमें एक रिजर्वेशन का रूल है और रूरल और अर्बन की जो सीट्स होती हैं वो 75% और 25% में डिवाइड होती हैं। यानी कि जो टोटल सिलेक्शंस होंगे उनमें 75% रूरल एरिया से लिए जाएंगे और 25% जो है अर्बन से। इसके बाद ओबीसी, एसटी, एसटी एंड गर्ल एंड बॉय, ये सारे रिजर्वेशन चलते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट रूल नॉर्म्स। यानी कि जो भी राज्य या फिर जो भी आपका शहर है या फिर जो भी आपकी कास्ट है, चाहे आप किसी भी वर्ग में आते हो, ओबीसी, एससी, एसटी किसी वर्ग में आते हो, उसके हिसाब से चलता है। लेकिन सबसे पहला जो रूल है वो है आपका रूरल और अर्बन, यानी कि आपको रूरल और अर्बन एरिया का रिजर्वेशन सबसे पहले दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसे समझ लीजिए कि फॉर्म भरते समय आप जो मिस्टेक करते हैं रूरल और अर्बन एरिया को किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है सिर्फ एक पॉइंट की गलती की वजह से, कि उनको जो है ना तो उन्होंने सही से रूरल एरिया सेलेक्ट किया है और ना ही उन्होंने सही से अर्बन एरिया सेलेक्ट किया है। दोस्तों, रूरल और अर्बन एरिया का जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको रूरल एरिया अगर आपने भरा है तो आपको रूरल एरिया का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहाँ पर, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग बेल आइकन ऑल पे नहीं लगाते हैं इस वजह से जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय से नहीं पहुंच पाता और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिस कर जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है ये कि सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन पे ज़रूर लगा लीजिएगा। दोस्तों, ये तो बात करते रहेंगे हम कि रूरल एरिया और आपका अर्बन एरिया कैसे भरा जाएगा, लेकिन एक पॉइंट आपको बहुत जो है ना ध्यान से रखना है आपकी तैयारी। दोस्तों, आपकी तैयारी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और दोस्तों, तैयारी करने के लिए 2023 की बेस्ट बुक आपको बताना चाहूँगा। 2023 की बेस्ट बुक है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो है आपकी चक्षु प्रकाशन की। चक्षु प्रकाशन की ये बुक जो है इसमें आपको आपके तीनों पोर्शंस बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, एक एक पॉइंट इसमें क्लियर किया गया है। और साथ में आपको मिल जाएंगे इसके जो क्वेश्चन बैंक हैं, जो सैंपल पेपर्स हैं, जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, अलग से आप ले सकते हैं। इसमें 2014 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन और सारे पेपर आपको बहुत बेहतर ढंग से बताए गए हैं। तो फटाफट से जाइए, बाय करिएगा इसको। लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको भी आवश्यकता है वो खरीद सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से रूरल और अर्बन एरिया सिलेक्ट करना है। दोस्तों, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते समय अपने गाँव को जो एड्रेस होता है, अपने गाँव का जो पता होता है, उसको ही रूरल और अर्बन एरिया के माध्यम से सेलेक्ट कर देते हैं। ये एक जेन्युइन गलती होती है, ऐसा नहीं है कि ये गलती नहीं होती, ये एक जेन्युइन गलती होती है। आपको आपका एरिया नहीं पूछा गया है, आप चाहे किसी भी एरिया में रहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ते किस एरिया के स्कूल में हैं फर्क इससे पड़ता है। आपने क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, तीनों साल का डेटा वहां पर मांगा जाता है कि किस किस एरिया में ये स्कूल है। आपने अगर क्लास थर्ड अर्बन एरिया से किया है, क्लास फोर्थ रूरल में आ गए हैं, क्लास फिफ्थ रूरल में है, तो भी आपका फॉर्म अर्बन एरिया से ही पड़ेगा। आपने तीनों सालों में किसी एक साल में भी अगर आपने अपना एरिया अर्बन रखा है तो आपका फॉर्म अर्बन एरिया से पड़ेगा, रूरल एरिया से नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
दोस्तों आप चाहे किसी भी एरिया में रह रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग सिलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग अपना एरिया रूरल या अर्बन सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है लिखा होता है कि किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनके पते को पूछा जा रहा है, तो लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। आपको अपने स्कूल का, जहाँ से आपने क्लास थर्ड किया, क्लास फोर्थ किया, क्लास फिफ्थ किया, उसके एरिया को टिक करना है कि आपका जो स्कूल है वो वाला वो किस एरिया में है। और ये आप मत करिएगा, ये आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर जाकर करवाइएगा, तो आपकी जो गलती है उसके होने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि जो उनका स्कूल है वो किस एरिया में पढ़ रहा है। दोस्तों एक पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ में किसी भी एक क्लास में एक दिन भी अर्बन एरिया का स्कूल अटेंड किया है, तो आपका फॉर्म अर्बन एरिया से पड़ेगा, आप रूरल एरिया से फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि फिर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आप अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो सिलेक्शन होने के बाद आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि ऐसा 2022 में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ऐसा 2022 में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रूरल और अर्बन एरिया को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करना है आपको, और ख़ास तौर पर पता करना है कि आपका स्कूल जो है जहां आप पढ़ रहे हैं, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, जहां आप पढ़ रहे हैं वो किस एरिया से बिलोंग करता है, और आपको उसी एरिया को भरना है, रूरल या अर्बन। आई होप दोस्तों कि ये छोटी सी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम में आएगी। शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके लिए हमेशा ऐसी अवेलेबल रहता हूँ ऐसी ऐसी अपडेट्स के साथ में। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।